Hello students, I am Rani Dave, your English teacher. Welcome all of you. Today we are going to study chapter 2. Name is The Lost Camel. Once upon a time there lived a farmer in a village. एक समय एक किसान गांव में रहता था. He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे. All his 4 sons were very wise and intelligent. They were also good at tracing. उसके सभी 4 बेटे जो थे वो बहुत बुद्धिमान और चतुर थे. वे ट्रेसिंग करने में बहुत अच्छे थे. One day they were returning from their sister's house. एक दिन वे अपनी बहन के यहाँ से लौट रहे थे. On the way they saw the footmarks of a camel. As they went further they met an Arab. The Arab was very worried and sad. Seeing the 4 brothers, he said, "Have you seen my camel anywhere?" रास्ते पर उन्होंने क्या देखा जब वो अपनी बहन के घर से आ रहे थे. उन्हें रास्ते में ऊँट के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए. जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें एक अरब मिला. वह अरब बहुत ही दुखी था और चिंतित था. चारों भाइयों को देखकर उसने कहा कि तुमने मेरा ऊँट कहीं देखा है क्या. Is your camel blind in one eye and lame in one leg? Asked the eldest brother. सबसे छोटे भाई ने पूछा कि क्या तुम्हारा ऊँट एक आँख से अंधा और एक पैर से लंगड़ा है क्या. Has it not tail? Asked the second brother. दूसरे भाई ने कहा कि उसके पूँछ नहीं है. Dear sir, is your camel carrying grain on one side and honey on the other? Asked the third brother. तीसरे भाई ने कहा कि श्रीमान क्या आपके ऊँट पर एक तरफ अनाज और दूसरी साइड शहद रखा हुआ है. सॉरी, यस यस, यू आर राइट. प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ माई कैम. सेड द अरब टू द 4 ब्रदर्स. वी हैवंट सीन योर कैमल. सेड द 4th ब्रदर. अरब ने कहा कि हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना. कृपया करके आप मुझे बताइए कि आपने मेरा ऊँट कहाँ देखा है. द अरब बाज, चारों भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा है. अरब बाज बेफल्ड. अरब जो था वह विचलित हो गया, अचंभित हुआ. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द 4 ब्रदर्स न्यू अबाउट हिज कैमल टू एक्यूरेटली व्हेन दे हैड नॉट सीन इट. He was sure that they had stolen his camel, as well the facts told by them were true. So he took them to a judge. He said, "Sir, I am a poor man. I have lost my camel. When I saw these 4 brothers, I asked them if they had seen my camel. They all described my camel accurately, yet they say they have not seen it. I am sure they have stolen my camel." जब चारों भाइयों ने कहा कि हमने ऊँट नहीं देखा तो वह विचलित हो गया और वो समझा कि इन चारों ने मेरे ऊँट को चुरा लिया है. वो एकदम से एक्यूरेट कैसे बता सकते हैं बिना देखे हुए मेरे ऊँट के बारे में. अतः वह जज के पास गया. उसने बोला कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरा ऊँट इन चारों भाइयों ने चुरा लिया है. ये एक्यूरेट उसके बारे में बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि वर्णन कर रहे हैं. और पर यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा. तो मुझे लगता है कि ज़रूर इन लोगों ने ही मेरा ऊँट चुरा लिया है. द जज एग्रीड विथ द अरब. ही आस्क्ड द ब्रदर्स, व्हेन यू हैवंट सीन द कैमल, हाउ कैन यू डिस्क्राइब इट. जज भी अरब की बातों से सहमत हो गया. उसने बोला चारों भाइयों से कि जब तुमने देखा नहीं है तो उसका वर्णन कैसे कर दिया. द फर्स्ट ब्रदर रिप्लाइड, माई ब्रदर, द कैमल हैड ग्रेज द ग्रास ओनली वन साइड ऑफ द पाथ, सो इट मस्ट बी ब्लाइंड ऑन वन आई. एंड वी नोटिस्ड केयरफुली दैट वन ऑफ द फुट मार्क्स वॉज लेस डीप इन द सेंड, हैंस इट मस्ट बी लेम इन वन लेग. पहले भाई ने कहा कि भाई ऊँट जो है वो एक ही साइड पर चल रहा था रास्ते में, और उसका इसलिए मुझे लगा कि एक आँख से अंधा है. और मैंने नोटिस किया कि उसका एक पैर जो है वो रेत पर डीपली नहीं रखा हुआ था.
तो इसके लिए मेरे को लगा कि मैं श्योर हो गया कि ये एक पैर से लंगड़ा है। हाउ डू यू नो इट हैज़ नो टेल, आस्क्ड द जज। जज ने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन उसके पूंछ नहीं है, ये आपने कैसे जाना। द ड्रॉपिंग ऑफ द कैमल बर इन वन हीप एंड नॉट स्कैटर्ड अराउंड सो द कैमल मस्ट बी विदाउट अ टेल, सेड द सेकेंड वन, सेकेंड ब्रदर। दूसरे भाई ने कहा कि उसकी जो ड्रॉपिंग थी, पानी जो गिर रहा था उसका ड्रॉपिंग, तो वो एक ढेर पर वो स्कैटर नहीं हो रही थी, चारों तरफ उसका वो फैला हुआ नहीं था, इसलिए मेरे को लगा कि उसकी पूंछ नहीं है। द थर्ड ब्रदर रिप्लाइड विदाउट द जज आस्किंग हिम सॉरी एनी क्वेश्चन, ही सेड ऑन वन साइड ऑफ द पाथ ले वीट ग्रेन्स एंड ऑन द अदर फ्लाइज वर शकिंग हनी ड्रॉप्स, सो आई गेस्ड व्हाट इज कैरीड। तीसरे भाई ने उत्तर दिया, जज के पूछे बिना ही उसने बोला, जज ने उससे प्रश्न भी नहीं किया और उसने बताया कि एक तरफ रास्ते में उसने गेहूं के ढेर दानों को देखा हुआ बिखरा हुआ, और दूसरी साइड उसने मक्खियों को हनी मीन्स शहद के जो बूंद थी उनको चूसते हुए देखा। सो मैंने गैस किया कि ये चीज़ें वो ले जा रहे हैं। द जज वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द फोर ब्रदर्स, जज उनकी बातों से, चारों भाइयों की बातों से बहुत इम्प्रेस्ड हुए। यस आई थिंक इट इज़ पॉसिबल, उसने कहा ये हो सकता है, मैं सोचता हूँ कि हो सकता है। दीज पुअर मैन हैव नॉट स्टॉलन योर कैमल, चारों भाइयों ने तुम्हारे ऊँट को नहीं चुराया है। गो फाइंड इट समवेयर एल्स, इसे कहीं और जा कर के ढूंढो, ही टोल द अरब, जज ने अरब से कहा। द जज फ्रीड द फोर ब्रदर्स एंड टुक देम इन हिज ऑन सर्विस, उसने चारों भाइयों को स्वतंत्र कर दिया और अपने यहाँ सेवा में रख लिया। वर्ड वाइज दिए हुए हैं इंटेलिजेंट का, हैविंग इंटेलेक्ट वाइज यानी कि बुद्धिमान, पॉसिबल का दिया है दैट मे बी डन, जो किया जा सके हो सकता है। फुटमार्क्स फुटप्रिंट पैरों के चिन्ह, एक्यूरेटली वन करेक्टली एकदम से ठीक। बेफल्ड कन्फाउंडेड फॉयल मैंने विचलित होना, किसी बात को सुन के अचानक से चौंक जाना। इम्प्रेस्ड वन फिक्स डीपली ऑन माइंड, किसी से खुश हो जाना या किसी बात से इम्प्रेस होना, सहमत हो जाना, बुद्धिमानी से सहमत हो जाना उसकी बुद्धिमानी को देख करके। एक्सरसाइज पे आते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर वन, द फार्मर हैड ब्लैंक स्पेस सन्स, थ्री ऑप्शंस आर 2, 3, 4, बी चूज 4 एंड फिल। सेकंड पॉइंट, ऑन द बे दे सा द फुट मार्क्स ऑफ ए ब्लैंक स्पेस, बी चूज कैमल, थ्री ऑप्शंस कैमल एलिफेंट एंड टाइगर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट 3, द ब्लैंक स्पेस एग्रीड विद द अरब, थ्री ऑप्शंस आर लीडर जज एंड हेडमैन, इसमें से हेडमैन वी चूज एंड फिल, सॉरी जज फिल करना है सेकंड बी पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन द जज फिल करना है एग्रीड विथ द अरब, सेकंड द अरब बाज बेफल्ड, थर्ड नंबर द फोर सन वर गुड एट ट्रेसिंग टेकिंग, द फोर्थ दे सा द फुट मार्क्स ऑफ अ कैमल, नंबर 5 द अरब बाज वेरी वरीड एंड सेड। सी पॉइंट, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, द जज एग्रीड विद द अरब, फिल ट्रू, नंबर 2 द फोर ब्रदर वर फूलिश, फिल एफ मीन्स फॉल्स, नंबर 3 द कैमल कुड सी विथ बोथ आईज फॉल्स, नंबर 4 द जज फ्रीड द फोर ब्रदर्स ट्रू, नंबर 5 द अरब बाज बेफल्ड ट्रू, लास्ट नंबर 6 द थर्ड ब्रदर हैड स्टोलन द कैमल फॉल्स।
टर्न द पेज, अरेंज दिस वर्ड अल्फाबेटिकली, अरब, फुटमार्क्स, गेस्ट, हनी, इम्प्रेस्ड, पॉसिबल, सर्विस, स्टोलन, वाइज, इनको इन्हें हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। नंबर बी, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इंटेलिजेंट, इसका अपोजिट है फूलिश, डियर, डियर का अपोजिट हेटेड, टेल, टेल का अपोजिट हैड, एंड सेड का अपोजिट हैप्पी, श्योर का अपोजिट अनश्योर, और फर्स्ट का अपोजिट लास्ट। इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आंसर द क्वेश्चंस, नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव, आंसर इज द फार्मर हैड 4 सन्स, किसान के कितने बेटे थे, किसान के 4 बेटे थे। नंबर सेकंड, व्हाट डिड दे सी ऑन द वे, रास्ते में उन्होंने क्या देखा, ऑन द वे दे सा द फुटमार्क्स ऑफ ए कैमल, उन्होंने रास्ते में ऊँट के पदचिन्हों को देखा। नंबर थ्री, व्हाट डिड द अरब आस्क द 4 ब्रदर, अरब ने चारों भाइयों से क्या पूछा, अरब आस्क दैट हैव यू सीन माई कैमल एनीवेयर, क्या तुमने मेरे ऊँट को कहीं देखा है। नंबर फोर, वाई वाज द अरब बेफल्ड, वो अचंभित क्यों हुआ अरब, आंसर इज बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द 4 ब्रदर्स न्यू अबाउट हिज कैमल सो एक्यूरेटली व्हेन दे हैड नॉट सीन इट, जब उन्होंने अरब ने सोचा कि जब चारों भाइयों ने मेरे ऊँट को देखा नहीं है तो वो उसके बारे में बिल्कुल एक्यूरेट ठीक ठीक कैसे बता सकते हैं। नंबर फाइव, व्हाट डिड द जज आस्क द 4 ब्रदर, जज ने चारों भाइयों से क्या पूछा, द जज आस्क द ब्रदर्स व्हेन यू हैवंट सीन द कैमल हाउ कैन यू डिस्क्राइब इट, उन्होंने बोला कि जब आपने उनके ऊँट को देखा नहीं है तो आपने उसका वर्णन कैसे कर दिया, उसके बारे में बता कैसे दिया। नंबर सिक्स, व्हाट जजमेंट वाज गिवन बाय द जज, जज के द्वारा क्या न्याय किया गया, क्या जजमेंट दिया गया, क्या निर्णय दिया गया, दीज 4 मैन हैव नॉट स्टोलन योर कैमल, गो फाइंड इट समवेयर एल्स, जज ने कहा कि इन चारों भाइयों ने तुम्हारे ऊँट को नहीं चुराया है, इसलिए तुम और कहीं जाकर के इसको ढूंढो। थैंक यू।